भाजपे छत्तीसगढ़ना सीएम तरीके विष्णुदेव साय की पसंदगी करी छे। भाजपे आदिवासी नेता ने प्रदेश मुख्यमंत्री बनावा पर सहमति बनावी छे। भाजपना केन्द्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री पद माटे विष्णुदेव साय नाम प्रस्ताव मुक्यो हतो। रायपुर में योजायेली धारासभ्य दल की बैठक में आ निर्णय लेवामां आव्यो छे। विधायक दल की बैठक में केन्द्रीय मंत्री सर्बानंद सोनवाल, अर्जुन मुंडा और दुष्यंत कुमार गौतम उपरांत छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी ओम माथुर पण हाजर रहा। छत्तीसगढ़ना सीएम पद माटे घना दावेदार हता। पूर्व मुख्यमंत्री रमण सिंह पोते रेस में हता। आ साथ ज ओपी चौधरी और रेणुका सिंहना नाम पण सामेल हता। छत्तीसगढ़ विधानसभा की चूंटणी में भाजपे शानदार जीत हासिल करी अने तमाम अटकड़ों ने पलटीने 54 बैठकों मेळवी छे, त्यारे कांग्रेस ने 34 बैठकों मळी हती। आम आदमी पार्टी ना राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब ना मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना लॉन्च करी छे। आ योजना हेठ 43 सुविधाओं लोकोना घरे बैठा उपलब्ध करावामां आवशे। अंतर्गत हवे लोको घरे बैठा ज जन्म मृत्यु आवक रहेणाक जाति अने पेन्शन प्रमाणपत्र वगैरे मेळवी शकशे। दिल्ली सरकारे घणा वर्षो पहला आवी डोर स्टेप सर्विस शुरू करी हती, जे हवे पंजाब में पण शुरू करवामां आवी छे। हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करीने आ सेवानो लाभ लई शकाशे। आ सेवानो एक फायदो ए छे कि मोड़ी सांज सुधी पण एपॉइंटमेंट बुक करी शकाशे। एकवार समय अने तारीख नक्की थई गया पछी लोकोने एसएमएस मोबाइल फोन पर प्राप्त थशे, जेमां तेमने जरूरी दस्तावेजो अने फी विशे जानकारी आपवामां आवशे। आ योजनाथी लोकोने वचेटियाओथी मुक्ति मळशे। दिल्ली के दिए से जोत लिए हमने, पंजाब में ये दिया जगाया है आज, और लोग जो है उनको दफ्तरों के धक्के खाने की खजल खुआने की जरूरत नहीं है। घर पे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे और जो जितने दिन उसके उस काम के बने हुए हैं, 2 दिन 5 दिन उनका जो काम है वो सर्टिफिकेट है, वो घर पे आके ही उनको डिलीवर किया जाएगा। 1076 इसका नंबर है। बहुजन समाजवादी पार्टी ना सुप्रीमो मायावती पोताना उत्तराधिकारी तरीके भत्रीजा आकाश आनंद नाम की सत्तावार जाहरात करी छे। लखनऊ में आयोजित पार्टी बैठक में मायावती बसपा में पोताना उत्तराधिकारी तरीके आकाश आनंद हसे तेवी जाहेरात करी। आ बैठक में मायावती पार्टी ना तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी और तमाम राज्य में बसपा प्रमुखों और पदाधिकारी ने बोलाव्या हता। आकाश आनंद ब्रिटन थी एमबीए करी चुक्या छे। 2017 थी तेओ राजनीति में सक्रिय छे। तेओ सहारनपुर थी रेली में पहली वक्त मायावती नी साथे मंच पर जोवा मळ्या। आकाश आनंद हाल पार्टी ना नेशनल को ऑर्डिनेटर पण छे। पश्चिम बंगाल ना मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी 18 थी 20 डिसेम्बर सुधी 2 दिवस माटे दिल्ली ना प्रवासे जशे। आ यात्रा दरमियान ममता वडाप्रधान मोदी ने मळी शके छे। आ मुद्दे बात करता ममता बेनर्जीए जणाव्युं छे कि मनरेगा फंड वितरण विशे चर्चा करवा माटे पीएम मोदी ने मळवा माटे समय मांग्यो छे। जो वडाप्रधान अमने नहीं मळे तो अमे ए करीशुं जे अमारे करवुं जोईए। टीएमसी सुप्रीमोए आरोप लगाव्यो हतो कि केन्द्र सरकारे मनरेगा कार्यक्रम हेठळ पश्चिम बंगाळ सरकारने हजु सुधी फंड जाहेर कर्युं नथी। ममताए पूछ्युं कि ज्यारे अन्य राज्यने केन्द्र सरकार पासेथी पैसा मळी रह्या छे तो पछी तेओ पश्चिम बंगाळनुं फंड केम रोकी रह्या छे। आज एक ही टैक्स है, जीएसटी टैक्स, सॉफ्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट तुल के ले जाता है हमारा स्टेट का। पहले स्टेट का टैक्स तुलने का अधिकार था। और आने वाला दिन मैं भी दिल्ली जा रहा हूं, मैं 18-19-20 से आम प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट मांगा कि हमारा रुपया दो, नहीं तो आप लोग नहीं तो सरकार बदल दो। गरीब जनता को रुपया दो, उसको रुपया छोड़ो, 100 दिन का रुपया नहीं देगा तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कहेगा कि भाई रुपया दो नहीं तो गोदी छाड़ो। दिल्ली में राजघाट पर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह महात्मा गांधी की प्रतिमा नु अनावरण कर्यु हतु। आ कार्यक्रम में संबोधन दरमियान राजनाथे जणाव्यु कि मने लागे छे कि अगाउनी सरकारो महात्मा गांधी की विचारधारा ने भूली गई हती। हुं पीएम मोदी नो आभार मानु छु, कारण के पीएम मोदीए महात्मा गांधी की विचारधारा ने पोताना जीवन में लागू करी अने लोकोनी सेवा करी। वडाप्रधान बन्या पछी तेमणे सौथी पहेलू काम स्वच्छ भारत अभियान की जाहेरात करी। महात्मा गांधीए ज स्वच्छता की बात करी हती। आ साथे ज दलित सम्मान समारोह नुं पण आयोजन करवामां आव्युं। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह अने भाजपना अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सम्मेलन में हाजरी आपी हती। लेकिन मैं समझता हूं बाद में आने वाली सारी सरकारों ने महात्मा गांधी के इन सब सारे आदर्शों को और विचारों को भुला दिया,
लेकिन मैं मोदी जी को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं, आप सबकी तरफ से भी बधाई देना चाहता हूं कि गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में अंगीकार करने का काम और उसी के अनुरूप चलकर सरकार ने जो जन सामान्य की सेवा की है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। स्वच्छता की बात किसने की थी? स्वच्छता की बात महात्मा गांधी ने की थी। और आज यह देखिए, स्वच्छता का यह आंदोलन एक ऐसा जन आंदोलन बन गया है। राजस्थान जयपुर में सुखदेव सिंह गुगामेडी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सहित त्रण शख्सों ने दिल्ली पुलिस चंडीगढ़ झड़पी पड़ा है। गत रात्र आ त्रय शख्सों ने चंडीगढ़ की पुलिस दिल्ली लई आई और क्राइम ब्रांच कचेरी पहुंची थी। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गुगामेडी हत्याकांड में मुख्य आरोपी रोहित राठौड़ और नितिन फौजी सहित त्रय आरोपी ने चंडीगढ़ की झड़पी पड़ा है। आ हत्याकांड में गईकाले हरियाणा में पहली धरपकड़ थी थी। पुलिस महेन्द्रगढ़ जिला सतनालय सुरेती पिलानिया गाम थी राजस्थान पुलिस एक शख्स की धरपकड़ करी। सुरेती पिलानिया युवान रामवीरे जे आरोपी नितिन फौजी माटे जयपुर में तमाम व्यवस्था करी हती ने हवे दिल्ली पुलिस मुख्य आरोपी रोहित राठौड़ सहित त्रण आरोपी ने झड़पी पड़ा छे। देखो, दो तो शूटर है और तीसरा जो ये उधम सिंह है, ये हिसार से इनका सब टैक्सी वगैरह करा के इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करके पैसा वैसा और हिमाचल तक इनको लेके गया और इनको पूरा लॉजिस्टिक प्रोवाइडर उधम सिंह है। हाँ, वो सारे एंगल जो है अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अभी इंट्रोगेशन चल रहा है और नितिन फौजी का भी चल रहा है, इनका भी चल रहा है, उसका खुलासा बाद में किया जाएगा। राजस्थान में राष्ट्रीय करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गुगामेडी हत्या केस में त्रण आरोपी ने दिल्ली पुलिस राजस्थान पुलिस ने सौंपा माटे रवाना थई हती। चंडीगढ़ थी दिल्ली पुलिस बे शार्फ शूटर सहित त्रण आरोपी ने झड़पी पड़ा और बाद में तेओए सघन बंदोबस्त साथ जयपुर पुलिस ने सौंपा माटे रवाना कराया था। दिल्ली पुलिस छेल्ला 72 कलाक थी तेओने ट्रेक कर रही थी। तेओ जयपुर थी डीडवाना, डीडवाना थी दारुवेड़ा, त्यांथी देवाड़ी और त्यांथी हिसार और हिसार थी तेओ मनाली पहुंचा था। जो कि मनाली थी आरोपी जारे चंडीगढ़ पहुंचा तो दिल्ली पुलिस की टीम तेमने झड़पी पड़ा था। श्री सुखदेव सिंह गुगामेडी की 5 दिसंबर को हत्या हुई थी, उस संदर्भ में 3 मुख्य अभियुक्त थे, उनको गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की NDR की शाखा ने, DCP अमित, ACP उमेश और इंस्पेक्टर राकेश की टीम ने। इसमें हम पिछले 72 घंटे से उनका ट्रैक कर रहे थे, उनके पीछे थे। जैसे जैसे उनकी मूवमेंट हुई, जयपुर से डीडवाना, डीडवाना से धारुवेड़ा, धारुवेड़ा से रेवाड़ी, रेवाड़ी से हिसार, हिसार से मनाली, मनाली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जाके हमने उनको दबोचा है। उगामेडी ने हत्या केस में 2 शूटर सहित 3 लोगों ने चंडीगढ़ सेक्टर 22 एनी एक होटल में धरपकड़ कर चंडीगढ़ में आवेली कमल पैलेस होटल में आरोपी रोकाया था। त्यां पुलिस नो काफलो पहुंचो और आरोपी रोहित राठौड़, नितिन फौजी तेमज उधम ने झड़पी पाड़वामां आव्या छे। पुलिसे होटलना सीसीटीवी फूटेज नू DVR कब्जे करी होटल संचालक सहित नी पूछपरछ कराई छे। आ साथे ज होटलना जे रूममां आरोपी रोकाया हता ते रूममां पण पुलिसे तपास करी सुखदेव सिंह गुगामेडीनी जयपुरमां तेमना निवासस्थाने गोळी मारीने हत्या करवामां आवी हती ने आ समग्र घटनामां कुल 17 राउंड गोळीबार करवामां आव्यो हतो। छत्तीसगढ़ में भाजपा बहुमत बाद हवे मुख्यमंत्री ना चेहरा की पसंदगी माटे नी जे कवायत पूर्ण थई छे ने मुख्यमंत्री ना नामनी जाहेरात करी देवामां आवी छे। देखिए, बहुत से समीकरण रहते हैं और सारे चीजों को मिलाकर के फिर नेता का चुनाव होता है, उसमें विधायकों की राय महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ना राज्यसभा सांसद दिर्जा साहूना निवास स्थाने सतत 5मा दिवसे आवकवेरा विभागे तपास यथावत राखी छे। झारखंड ना रांची में रेडियम रोड पर सुशीला निकेतन बंगला में आवकवेरा विभागे तपास करी। वहली सवारे ज आईटी टीम ना अधिकारी बंगले पहुंची और तपास करी। उल्लेखनीय छे के अगाऊ झारखंड ना रांची, देहरगाम उपरांत ओडिशा और पश्चिम गाम आवकवेरा विभागे तपास हाथ धरी थी और 210 करोड़ की रोकड़ मिली आई थी। आ उपरांत रांची थी महत्वना दस्तावेजों और दागिना सहित कुल गैरकायदेसर संपत्ति आंकड़ो 300 करोड़ ने पार पहुंचो छे।
करोड़ों रूपया गैरकायदेसर संपत्ति ने लई कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने त्या सतत पांचमा दिवसे तपास चालू है। त्यारे ओडिशा में आवेली स्टेट बैंक की बलांगीर शाखा में आईटी की टीम पहुंची थी और त्यांथी कैश काउंटिंग मशीन सहित टेक्निकल साधनों मेळव्या। धीरज साहू बलांगीर खाते ऑफिस और संबंधी ने त्या रोकड़ रूपया रोकड़ मिली आई है। बलांगीर शाखा में रूपया की गणतरी कर उद्धव ठाकरे समूह की शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी जणाव्यु कि भाजपने आग्रह कर्यो हतो कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू जो भविष्य में भगवा पार्टी में सामिल थाय तो तेमने क्लीन चीट न आपवामां आवे। तेमने कह्युं छे कि भाजपे आ बाबते देशना लोकोने आश्वासन आपवुं जोईए। महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ रूपयाना सिंचाई कौभांड में अजित पवार सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेताओं सामे आरोपनो उल्लेख करता चतुर्वेदीए कह्युं कि अजित पवार एनसीपीथी अलग थईने भाजपमां जोडाया हता, आ कारणे तेनी सामे ईडी अने आईटीनी कार्यवाही थई नथी। ओडिशाना बालंगीरमां बुद्ध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेडना परिसरमांथी कथित रीते 300 करोड़ रूपया मळी आव्या छे। घटना स्थल पर सीआईएसएफना अधिकारीए पण तैनात करवामां आव्या। आ कंपनीनुं कांग्रेसना राज्यसभा सांसद धीरज कुमार साहू साथे पण कनेक्शन छे। ओडिशाना एसबीआई रीजनल मैनेजर भगत बेहराए जणाव्युं हतुं कि अमने 176 बेग मळी आव्या छे अने तेमांथी 140 ની ગણતરી કરવામાં આવી, બાકીની ગણતરી આજે પૂરી કરવામાં આવશે। ત્રણ બેંકોના અધિકારીઓ ગણતરી પ્રક્રિયામાં સામેલ છે, જેમાં 50થી વધુ કર્મચારીઓ સામેલ છે। પૈસા ગણવાના 40થી વધુ મશીન અહીં લાવવામાં આવ્યા છે। અભી તક કા જો સિચ્યુએશન હે, આઉટ ઓફ 176 બેગ્સ 140 બેગ્સ કમ્પ્લીટ હો ચુકા હે કાઉન્ટિંગ, ઓર 36 બેગ્સ જો હે 36 બેગ જો હે વો આજ કમ્પ્લીટ કર લેંગે। મેજોરિટી હમારા સ્ટેટ બેંક કા સ્ટાફ ઇન્વોલ્વ હે ઓર દો બેંક સે આયે હે, पीएनबी और कनरा बैंक, यूनियन बैंक, तीन बैंक का आए हैं, कल भी आए थे और आज भी आए हैं, तो मेजोरिटी हमारा स्टाफ अभी इन्वॉल्व है। झारखंड कांग्रेस सांसद धीरज साहू साथ संकड़ेला परिसर में 200 करोड़ की वधुनी रकम रोकड़ मिली आई है। त्यारे केन्द्रीय मंत्री अश्विनी चौहान आकरा प्रहार करता जणाव्यु कि कांग्रेस पार्टी तेने हाँकी काढ़वानी जग्याए तेमनुं समर्थन करी रही है। कांग्रेस आवा व्यक्ति ने सफाई आपवानी तक आपी रही है। समग्र देशना लोको जाने छे के केवी रीते पैसा गणवानी मशीन पण खराब थई गई है। हजू तो घणा डब्बा बाकी है, शू क्यारे कोईए 300 करोड़ रूपया जोया छे। कांग्रेस पार्टी संडोवायला तेना सांसदनुं समर्थन करी रही छे, आ खूब ज दुर्भाग्यपूर्ण छे। देशना लोको आवा व्यक्तिने क्यारे माफ नहीं करे अने आवा व्यक्ति टूंक ज समयमां जेलमां जशे। भाई ये तो उसका पक्ष ले रहे, उनको इतना बड़ा कुकर्म हो रहा है देश में, उनको अपने पार्टी से उन्हें निकालना चाहिए था, तो वो उसके पक्ष में बोल रहे हैं कि वो आए अपनी सफाई दें। अरे सफाई क्या, जहां पूरी जनता की आंख खुली हुई है, लोग नग्न आंखों से देख रहे हैं कि आज गिनती हो रही है, मशीन खराब हो जा रहा है, दूसरी मशीन आ रही है। अभी तो केवल डब्बे का, और कितने डब्बे होंगे, 300 करोड़ कभी किसी ने देखा होगा क्या? उत्तर प्रदेश ना हरदोई जिला ना गला मंडी बाजार में आवेली दुकान में आग लागी गई थी। आगे विकराल स्वरूप धारण करता ते विस्तार में आवेला वेराव सुधी फैलाई गई थी। आगनी आ दुर्घटना में अंदाजे कुल 50 लाख रूपया नुकसान थे हुआ अंदाज है। फायर विभागे 7 कलाक की भारे जहमत बाद आग पर काबू मेळव्यो। दुकान पाछड़ कचराना ढगलामां अगम्य कारणोसर आग फाटी निकली हती अने धीरे धीरे आग वेरहाउस सुधी पहोंची गई। वेरहाउसमां राखवामां आवेल 20 लाखथी वधुनी किंमतनी खाली बोरीओनो बंडलमांथी आगनी ज्वाळाए बहार आवी हती। आ दुर्घटनामां लगभग 30-40 लाख रूपियानुं आर्थिक नुकसान थयुं छे। आ घटनानी जाण थता पोलीस अने फायर विभाग पण घटना स्थळे पहोंच्युं हतुं। लगभग 3:15 बजे हमें आग की सूचना प्राप्त हुई, नवीन गल्ला मंडी में आग लगी है। कल हमारी 2 गाड़ी मौके पर पहुंची और देखा कि आग काफी बड़ी हुई थी, तो हमने एक बिलग्राम और एक सवाईतपुर से भी गाड़ी मंगाई और आग बुझाना शुरू किया, क्योंकि बारदानों में आग लगी थी, उसको बुझा रहे हैं हम लोग और काफी हद तक आग कंट्रोल है और 1 घंटे में लगभग कंट्रोल हो जाएगी। लगभग 30-40 लाख का नुकसान प्रतीत हो रहा है, वास्तविक जो है इसका बाद में बताया जाएगा जांच के बाद।
लोक जनशक्ति पार्टी सांसद चिराग पासवाने जणाव्युं छे कि कोई पक्षना नेता साथे संकळायेला परिसरमांथी आटली मोटी बेनामी रोकड रकम मळी आवी छे त्यारे आ बाबते पार्टी पासेथी पण जवाबनी अपेक्षा राखवामां आवती होय छे। कोंग्रेस पार्टी जे विक्टिम कार्ड रमे छे ते मात्र विपक्ष दळोना नेताओने ज निशानो बनाववामां आवे छे ए तद्दन खोटी वात छे। तेमणे दावो कर्यो छे कि विपक्षी नेताओनी परंपरा रही छे कि पहेला भ्रष्टाचार करशे अने पछी जो कोई पकड़ाय जाय तो आरोपोने नकारवानुं काम करे छे। जो कोई संडोवायेलो छे तो केम ते तपास पछी ज खबर पड़शे। तपासमां दोषी साबित थनार लोको सामे आकरा पगला लेवा जोईए। जब आपके नेताओं के पास से अनअकाउंटेड इतना कैश बरामद होता है तो इसकी जवाबदेही भी आपकी बनती है और उसके बाद ये विक्टिम कार्ड चलना कि भाई कांग्रेस विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट किया जाता है, गलत है। भाई ये पुरानी परंपरा रही है विपक्ष के नेताओं की कि पहले तो भ्रष्टाचार करेंगे और उसके बाद अगर उसमें कोई पकड़ा गया तो उससे अपना पल्ला झाड़ने का काम करेंगे। बट बहरहाल लिंक है नहीं है ये तमाम चीजें जांच का विषय है और जांच में जो भी दोषी हैं कार्रवाई इस पे जरूर होनी चाहिए। ओडिशाना झारसुगड़ा ओडिशा पावर जनरेटर कॉर्पोरेशन थर्मल पावर प्लांट तड़ाव में भंगार थता प्लांट ने आसपास आवेला गामों में पूर जेवी स्थिति सर्जाई। गामडाओना खेतर में पाणी घुसी गयु तेने कारणे पाक ने भारे नुकसान पहुंच्यु। ओपीजीसी जनसंपर्क विभाग वड़ा हिमांशु बेहराए जणाव्यु हतु के तड़ाव तूटवाने कारणे गामडाना खेतर में पाणी भराई गया छे। घटनास्थळनी नजीक आवेला कांटा टिकीरा अने सरडापली गाम सौथी खराब रीते प्रभावित थया छे। ओपीजीसीए आ दुर्घटना बाद राहत माटे योग्य पगला लीधा छे। रिपोर्टनी माहिती मळ्या बाद आ मुद्दे योग्य कार्यवाही करवामां आवशे तेवुं पण जणाववामां आव्युं छे। सुबह 8 बजे ओपीजीसी का यूनिट 1 और 2 का आसपॉन्ड सी जो कि रेंगाली गांव में स्थित है उसमें एक जगह पे ब्रीच हो गया है। ब्रीच की वजह से आस पानी पास में अवस्थित गांव कंटा टिकरा और श्रद्धापाली के कुछ खेतों में चला गया है। खबर का पता चलते ही ओपीजीसी की तरफ से सब करेक्टिंग मेजर्स वार फुटिंग बेसिस में लिए जा रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर निर्माण कार्य समिति अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्राए जणाव्यु छे कि राम मंदिर निर्माण कार्य सतत निरीक्षण करवामां आवी रह्युं छे। मंदिर बांधकाम तेना अंतिम तबक्का में छे। तमाम कार्य की समीक्षा कर्या बाद अमे सुनिश्चित करीए छीए कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जानुआरी रोज योजाशे तेने लईने तमाम तैयारीओ पण करवामां आवी रही छे। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम मोदी सहित महानुभावो हाजरी आपी शके छे। 22 जनवरी को जो कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का वो सही और पूर्ण रूप से और एक जो व्यवस्था के अनुकूल हो सकेगा प्रयास है, आश्वस्त है और भगवान राम नए मंदिर में अपना स्थान लेंगे। वैश्विक स्तर पर कोलसानी खाणों बंद थवाथी 9.90 लाख कामदारों बेरोजगार थशे। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर द्वारा बहार पाड़वामां आवेला ताजेतरना रिपोर्ट में आ बात सामे आवी छे। रिपोर्ट अनुसार कोलसानी खाणों बंद थवाने कारणे 9,90,200 लोकोनी नौकरीओ छीनवाई शके छे। रिपोर्ट अनुसार हाल में लगभग 4,14,200 मजूरों खाणों में काम करे छे। ये वर्ष 2035 पहला बंद थई शके छे। कोलसानी खाणों बंद थवाथी भारत अने चीन सौथी वधु प्रभावित थशे। कोलसा ने दूर करने माटे रचायेला आबोहवा नीतिओ विना 2050 सुधी में कोलसा उद्योगों बंद थवाथी लगभग 37% कामदार बेरोजगारी तरफ धकेलाशे। वर्षना छेल्ला महीनामां देशना मोटा भागना राज्यमां पारो गगड्यो छे। हवामान विभागे रविवारे અને સોમવારે 5 રાજ્યમાં ધુમ્મસનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે। હવામાન વિભાગ અનુસાર ઉત્તર મધ્ય પ્રદેશ ઉપ હિમાલય પશ્ચિમ બંગાળ સિક્કિમ આસામ અને મેઘાલયમાં અલગ અલગ વિસ્તારોમાં સવારે ગાઢ ધુમ્મસ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે। જો ઉત્તરાખંડની વાત કરીએ તો ત્યાં તાપમાનનો પારો ઝડપથી નીચે જઈ રહ્યો છે। આઈએમડી અનુસાર ઉત્તર ભારતના રાજ્યમાં આવતા સપ્તાહે ઠંડી વધશે, આથી લોકોને અગાઉથી સતર્ક રહેવા જણાવાયું છે। નવી દિલ્હીના ઘણા વિસ્તારોમાં ધુમ્મસને કારણે લોકોને સવાર સાંજ અવરજવરમાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ અનુસાર રવિવારે દિલ્હીના ધોલાકુવાન વિસ્તારમાં એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ ખૂબ જ ખરાબ શ્રેણીમાં નોંધવામાં આવ્યું। હવામાન વિભાગે સોમવાર
ધુમ્મસ રહેવાની આગાહી કરી છે. મહત્તમ અને લઘુત્તમ તાપમાન અનુક્રમે 24 અને 9 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે. કેન્દ્રીય વાણિજ્ય મંત્રી પિયુષ ગોયલે મુંબઈમાં એક ભારત સાડી વોકથેન કાર્યક્રમને લીલી ઝંડી બતાવી. આ દરમિયાન ત્યાં હાજર લોકોને સંબોધિત કરતી વખતે કેન્દ્રીય મંત્રીએ સોશિયલ મીડિયા પર લોકપ્રિય બનેલા ડાયલોગ પણ બોલતા જોવા મળ્યા. પિયુષ ગોયલે વોકથોનની શરૂઆત કરાવી. જ્યારે તેઓ સોશિયલ મીડિયાના લોકપ્રિય ડાયલોગ બોલ્યા ત્યારે હાજર પ્રેક્ષકો છે તેઓએ તાળીઓ પાડી. આ કાર્યક્રમમાં બોલિવૂડ અભિનેત્રી સેનાલી બેન્દ્રે પણ હાજર હતા. Running the ministry very ably, and to all of you wonderful people, to all the wonderful artists who make this country proud, Bharat ka samay aa gaya hai. Yahi samay hai.